वेलकम टू ऑल ऑन आर यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, इनपुट आउटपुट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने, तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे से कंप्लीट करते हैं और आज हम इनपुट आउटपुट कंप्लीटली कर देंगे ताकि हमारे सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाएं और जो वीक क्वेश्चन होंगे उन्हें हम स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 से। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 28 है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, उसने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिंक बिटवीन कंप्यूटर एंड, इसको सही कर लीजिएगा, ये हमारे पास में क्या मेंशन है, ये हमें दिया हुआ है कि लिंक बिटवीन कंप्यूटर एंड। ठीक है, तो इसको आप एंड कर लीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है लिंक बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन इज पॉसिबल बाय, कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में कौन लिंक करवाता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में, यदि मैं बोलता हूं कंप्यूटर ये है मेरे पास, एक ह्यूमन मेंशन है, तो ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच का लिंक होता है इनपुट, जिससे कि ह्यूमन कंप्यूटर में इनपुट दे पाता है और कंप्यूटर से ह्यूमन को वापस देने के लिए क्या दिया जाता है, आउटपुट डिवाइस की जरूरत होती है। तो इनपुट और आउटपुट, ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो ह्यूमन को कंप्यूटर से और कंप्यूटर को ह्यूमन से कनेक्ट करने का काम करती हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट, ये आपको सब पता है। सीपीयू की फुल फॉर्म ध्यान कर लीजिए, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारे कंप्यूटर के लिए, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनपुट और आउटपुट। ये आई थिंक मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है कौन सा इनपुट और आउटपुट टाइप नहीं है। देखो, साउंड जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है, विजुअल एक आउटपुट डिवाइस है, मैकेनिकल, यहां पे अगर मैं बात करूं मैकेनिकल जो है ये भी एक हमारे पास में आउटपुट डिवाइस की तरह ही काम करेगा, और जो लाइट है हमारे पास में, इसकी अगर मैं बात करूं तो ना तो ये हमारे पास में एक इनपुट डिवाइस है और ना ही ये हमारे पास में एक आउटपुट डिवाइस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाइट, इसको हटा देना, ठीक है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, और ये हमारे पास में लाइट जो है ना तो ये इनपुट की तरह काम करती है और ना ही आउटपुट की तरह काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज माउस, माउस की तरह कौन काम करता है। तो देखो, जब हमने स्टार्टिंग लेक्चर देखा था तो मैंने कहा था माउस की तरह एक चीज और काम करती है, वो क्या थी, ट्रैक बॉल। पहले के ट्राइम में ट्रैक बॉल का यूज किया जाता था माउस की जगह पे, ठीक है, बेसिकली इसका यूज मैंने आपको बताया भी था, ग्राफिक्स वगैरह के लिए किया जाता है, मेडिकल साइंस में किया जाता है। तो ट्रैक बॉल एक ऐसी चीज है जो कंप्यूटर में माउस की तरह काम करती है, बाकी कीबोर्ड, स्कैनर, आइकन, ये सब आपको, अच्छा आइकन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर डिस्प्ले के ऊपर हम जब भी डेस्कटॉप ऑन करते हैं तो हमारे पास में इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, क्रोम, इन सब की क्या होती हैं, कुछ आइकन बने होते हैं, इनको आइकन कहते हैं, जिसपे हम जब डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज यूज्ड फॉर ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट बटन ऐसा होता है जो कि माउस में क्लिक करने के काम आता है ओके को। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, उसने नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, इज फास्ट स्पीड प्रिंटर, क्या ये भी मुझे बताने की जरूरत है, इन सब में सबसे फास्ट प्रिंटर कौन सा है। तो सबसे फास्ट प्रिंटर जो आज के समय में काम कर रहा है वो हमारे पास में होता है लेजर प्रिंटर। इस समय सबसे फास्ट प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। जेट प्रिंटर कौन सा होता है, इंक जेट प्रिंटर कहते हैं इसको। ठीक है, ये स्लो काम, थर्मल प्रिंटर मैं आपको बता चुका हूं, हीट फेंकता है, हीट के थ्रू स्प्रे करता है ये किसको, इंक को। और डेजी व्हील, ये एक नया है, देखो इसको ध्यान रखना, डेजी व्हील एक अलग होता है, डेजी व्हील एक आपकी सिलेंड्रिकल शेप में होता है इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहता है। ठीक है, डेजी व्हील ऐसे नहीं होता, ये कुछ ऐसे होता है आपके पास में इस तरीके से, और इस पे क्या लिखते हैं, कैरेक्टर लिखे रहते हैं लाइन वाइज लाइन। ठीक है, तो डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है ये लाइन वाइज लाइन जो होता है कैरेक्टर प्रिंट करने का काम करता है, ये व्हील शेप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी, क्या पूछा है अब एलसीडी के बारे में, कि एलसीडी की फुल फॉर्म क्या, लो अभी बता दी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है ये, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द जनरल मेथड फॉर टू इनपुट द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में इनपुट टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को एंटर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, किसका यूज करते हो न्यूमेरिकल डेटा इनपुट के लिए, डेफिनेट सी बात है कीबोर्ड माउस से तो नहीं कर सकते ना एंटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आउटपुट डिवाइसेज मेक इट पॉसिबल टू, आउटपुट डिवाइसेज मेक इट पॉसिबल टू, क्या पूछना चाह रहा है, आउटपुट डिवाइसेज क्या चीज पॉसिबल कर देती हैं, तो आउटपुट डिवाइसेज पॉसिबल इनपुट के लिए, इनपुट और डेटा,
आउटपुट डिवाइस इनपुट कैसे करेगी, सेंडिंग का डेटा आउटपुट डिवाइस सेंडिंग कैसे करेगी, स्कैन कैसे करेगी। तो आउटपुट डिवाइस हमारे पास में क्या काम करती है, आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू व्यू एंड प्रिंट अ डेटा। देखने के लिए कौन काम करता है, मॉनिटर। प्रिंट करने के लिए कौन काम करता है, प्रिंटर। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में सबसे जो ऑप्टिमिस्टिक आंसर है, सबसे सही आंसर है, वो व्यू एंड प्रिंट अ डेटा। सेंडिंग भी है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम ज्यादा बोल सकते हैं। कंप्यूटर का बेसिक काम होता है डिस्प्ले देना और प्रिंट आउट देना। ठीक है, हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज, डॉक्यूमेंट की जो हार्ड कॉपी होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन प्रिंटर। हार्ड कॉपी किससे निकलती है, प्रिंटर से निकलती है, और किससे प्रिंट होती है, प्रिंटर से प्रिंट होती है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी कभी सेव नहीं हो सकती। अच्छा, तो सेव होने वाली जो स्टोर होती है फ्लॉपी में या सीडी में, उस कॉपी को क्या बोलते हैं, उस कॉपी को बोला जाता है सॉफ्ट कॉपी। ये ध्यान रखना, हार्ड कॉपी होती है जो पन्ने पे निकलती है, जो प्रिंटर से निकाली जाती है, सॉफ्ट कॉपी होती है जो फ्लॉपी सीडी और हार्ड डिस्क में स्टोर की जाती है। बात समझ में आ गई यहां तक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव ओनली इनपुट डिवाइस। ये आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कौन सा केवल इनपुट डिवाइसेस को यूज करता है, तो मैं सीधे आंसर लगा देता हूं, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये तीनों ही इनपुट देने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following groups have only output device? इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो केवल आउटपुट डिवाइस को शो करता है, तो आउटपुट डिवाइस को शो करता है हमारे पास में कौन, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। प्लॉटर ग्राफ दिखाने का काम करता है, प्रिंटर प्रिंट करने का काम करता है, हार्ड कॉपी और मॉनिटर व्यू करने के काम आता है। ठीक है, एनी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, कोई भी डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर में एंटर किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है उसको, उसको कहा जाता है हमारे पास में इनपुट। देखो, डेटा इंस्ट्रक्शन में फर्क होता है, इंफॉर्मेशन डेटा में भी फर्क होता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि इंफॉर्मेशन और डेटा में क्या फर्क होता है, तो इंफॉर्मेशन एक अरेंज डेटा होता है, ठीक है, जिसको अरेंज करने की जरूरत नहीं होती, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अरेंज होती है, सिस्टमेटिक होती है। डेटा रैंडम होता है, डेटा कुछ भी हो सकता है, उसकी जरूरी नहीं कि उसका कोई मतलब निकलता हो, लेकिन इंफॉर्मेशन का एक मतलब निकलता है। ठीक है, टू मेक द नंबर पैड, टू मेक The number pad act as a directly directional arrow, we press. To make the number pad act as a directional arrow, we press. क्या प्रेस करते हैं यदि हमें नंबर पैड को किसकी तरह यूज करना है, किसकी तरह, हमने पढ़ा था ना एक कंट्रोल पैनल, कौन सा कंट्रोल पढ़ा था हमने, एरो कंट्रोल पढ़ा था, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो यदि मुझे मेरे कीपैड को किसकी तरह, डायरेक्शनल एरो की तरह यूज करना है, तो मुझे शिफ्ट की दबानी पड़ेगी। जरा अपने कंप्यूटर में जब आप यूज करो ना, तो शिफ्ट की के साथ, देखो मैं बता देता हूं, जब आप शिफ्ट की के साथ 8 दबाओगे तो ऊपर की तरफ जाओगे, जब आप शिफ्ट की के साथ 4 दबाओगे तो आप बाएं तरफ जाओगे, जब आप शिफ्ट की के साथ 6 दबाओगे तो दाएं तरफ जाओगे, और जब आप शिफ्ट की के साथ 2 दबाओगे तो नीचे जाओगे, करके देखना पता लग जाएगा। ठीक है, तो शिफ्ट की के साथ जब आप नंबर पैड दबाते हो तो डायरेक्शनल एरो की तरह काम करता है। नेक्स्ट, विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की, ऐसी कौन सी की है जो किसी और की के साथ यूज में आती है, और क्या बोल रही है, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए एक की दूसरी की के साथ काम आती है। तो देखो यहाँ पे कौन सी है, फंक्शन की सिंगल काम करती है, स्पेस बार सिंगल काम करता है, एरो सिंगल काम करता है, केवल कंट्रोल की है हमारे पास में, कंट्रोल कीज हमारे पास में किसी दूसरे के साथ फंक्शन परफॉर्म करता है। कंट्रोल हुआ, ऑल्ट हुआ, ये सारे जो है हमारे पास में किसी क्या सपोर्ट चाहिए, इनको सिंगल काम नहीं करेंगे। ठीक है, तभी काम करेंगे जब इनके साथ कोई दूसरा दबाया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट, ये तीनों ही, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट, ये तीनों ही किस तरह की कीज होती हैं, तो ये मॉडिफायर की होती हैं। अभी बताया ना, ये सिंगल काम नहीं करती हैं, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट, इनको काम करवाना है तो इनके साथ हमें कोई ना कोई दूसरी की दबानी पड़ेगी, तभी ये मॉडिफाई कर पाएंगी किसी सामने वाले को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या लिखा हुआ है, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन मोस्ट प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड,
ठीक है, तो इसने क्या बोला है यहाँ पे हमारे पास में, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन मोस्ट प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड, तो देखो क्या हुआ, बारकोड। अभी आपको क्लास में बताया था मैंने कल या परसों कि हमारे पास एक आउटपुट इनपुट डिवाइस होती है जो क्या करती है, किसी भी प्रोडक्ट के पीछे, किसी किताब के पीछे ऐसी लाइनें बनी होती हैं, उनके वो स्कैन करती है और उसका जो डेटा होता है उसे मॉनिटर पे भेज देती है, इनपुट करने का काम करती है। तो द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, बार कोड कहते हैं, जो प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर प्रिंटर, प्रिंटर किस तरह की, आगे चलूं मुझे जरूरत ही नहीं ना इसे क्वेश्चन करने की। स्कैनर स्कैन, स्कैनर किस चीज को स्कैन करता है, तो स्कैनर पिक्चर को भी स्कैन कर सकता है और टेक्स्ट को भी, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड या फिर सी लगा सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वुड यू डू टू हाईलाइट अ वर्ड, किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे, यू पोजिशन द कर्सर नेक्स्ट टू द वर्ड। ठीक है, एंड देन, मतलब उसने एक चीज तो आपको बता दी है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले यू पोजिशन द कर्सर नेक्स्ट टू द वर्ड, और उसके बाद क्या करेंगे, यदि आपको व्हाट वुड यू डू टू हाईलाइट वर्ड, किसी वर्ड को हाईलाइट करना है, तो देखो मैं बताता हूं, जैसे आपका कर्सर आपने यहां ले लिया, अब अगर आपको उसे हाईलाइट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रैग माउस वाइल होल्डिंग बटन डाउन। ठीक है, ड्रैग माउस, माउस को ड्रैग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, माउस को ड्रैग करना पड़ेगा होल्डिंग बटन, बटन को प्रेस करे करे इसको यहां से यहां तक लाना पड़ेगा, जैसे ही आप यहां से यहां तक लाओगे ये पूरा की पूरा वर्ड जो है ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ड्रैग माउस वाइल होल्डिंग बटन डाउन। ठीक है, बात क्लियर हो गई, तो उससे क्या हो जाएगा, ये पूरा की पूरा डेटा जो है आपका ये हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ डैश कैन मेक इट इजियर टू प्ले गेम, कौन है जो गेम खेलने को इजी बना देता है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, जॉयस्टिक। ठीक है, एम आई सी आर में सी का क्या मतलब है, तो एम आई सी आर में सी का क्या मतलब है, आई थिंक आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी था, कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजर भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां सी मतलब कैरेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉफ्ट कॉपी इज एन इंस्टेंट इंस्टेंट इंस्टेंजिबल आउटपुट, इंटेंजिबल, सॉरी माफ करना, इंटेंजिबल और टेंजिबल दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक होते हैं डेटा टेंजिबल, जो चलायमान जिसको हम बोलते हैं आपने सुना होगा, टेंजिबल होती हैं चीजें एक, और एक होती है इंटेंजिबल जो अचलायमान होती हैं। ठीक है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं, बदल नहीं सकते। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी इज एन इंटेंजिबल आउटपुट, ये हमें पता है कि सॉफ्ट कॉपी को हम देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। ठीक है, केवल उसमें एडिट कर सकते हैं, कोई चीज टच नहीं कर सकते सॉफ्ट कॉपी को हम। तो सॉफ्ट कॉपी इज एन इंटेंजिबल आउटपुट, सो देन व्हाट इज अ हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी क्या है, अगर सॉफ्ट कॉपी इनटेंजिबल है तो हार्ड कॉपी क्या है, हार्ड कॉपी इज दी, हमारे पास में क्या आंसर आएगा बताओ जरा एक बार मुझे, चार चीजें दी हुई है, फिजिकल आउटपुट नहीं, प्रिंटेड आउटपुट। यस, प्रिंटेड पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर भी नहीं होगा, फिजिकल पार्ट, ये तो सब बेवकूफ वाले आंसर है। आंसर क्या होगा हमारे पास में, द प्रिंटेड आउटपुट। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी क्या है, इंटेंजिबल है, और प्रिंट और जो हार्ड कॉपी है वो क्या है, प्रिंटेड आउटपुट है, और ये क्या है, टेंजिबल है, इसको हम छू सकते हैं। बात समझ में आ रही है, चलिए, प्रिंटर क्या है, टेंजिबल है। ठीक है, अ प्रिंटर इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस, प्रिंटर किस तरह की डिवाइस है, तो प्रिंटर हमारे पास में एक आउटपुट डिवाइस है, क्लियर है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट, किसी भी डेटा को या किसी भी टेक्स्ट को एंटर करने के लिए कौन सा मेथड सबसे ज्यादा कॉमन है, एंड नंबर को भी एंटर करने के लिए, तो ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, आंसर आ जाएगा कीबोर्ड। नेक्स्ट, अ कीबोर्ड इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस, मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इनपुट टाइप ऑफ डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डिस्प्लेज द वर्क डन, कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो ये बताता है कि काम पूरा हो चुका है, तो ऐसा तो केवल मेरे हिसाब से एक ही चीज है जिसमें हम कुछ देख सकते हैं, दैट इज मॉनिटर। कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स एंड लाइंस, अभी अभी वही बात करी थी हमने, ठीक है, बारकोड जिसको हम बोलते हैं, ऑफ वेरियस विड्थ, अलग अलग विड्थ के जो हमारे पास में होते हैं, और लेंथ, दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज, जो कंप्यूटर में रीडेबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं,
मतलब क्वेश्चन को घुमा के देने की कोशिश करते हैं ये लोग, बात वही है, अलग अलग चीजों में देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक टेप किसमें यूज होती है? हार्ड डिस्क में पहले यूज हुआ करती थी, ठीक है, अभी भी होती है, पहले भी हुआ करती थी। ओसीआर में आपको बता चुका हूं, ओसीआर स्कैनर क्या करता है? कैरेक्टर्स को स्कैन करने के काम आता है ना। ASCII कोड क्या होता है? ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड, AS मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं ये, ठीक है, जिनको अलग अलग नंबरिंग दी जाती है। नंबर्स की भी नंबरिंग होती है और किसकी भी, अल्फाबेट्स की भी अलग अलग नंबरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन एवर वी हैव टू गिव स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स व्हाइल टाइपिंग ऑन द पीसी वी हैव टू प्रेस अ की नोन एज, मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर कीबोर्ड की सबसे लंबी की जिसको हम स्पेस बार बोलते हैं, उसका काम होता है किन्हीं भी दो वर्ड्स के बीच में स्पेस प्रोवाइड कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डैश की एंड द डैश की कैन बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म शॉर्टकट्स एंड स्पेशल टास्क। शॉर्टकट और स्पेशल टास्क के लिए इन दोनों कीज को किसके साथ में यूज किया जाता है? तो ये देखो, इसको कंट्रोल और ऑल्ट, इन दोनों को साथ में अगर मैं यूज करूं, कंट्रोल और ऑल्ट किसी और के साथ, क्या लिखा है? कैन बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर की टू परफॉर्म शॉर्टकट, शॉर्टकट को परफॉर्म करने के लिए। आपको पता है अगर आप कंट्रोल के साथ में ऑल्ट को दबाओगे, कंट्रोल के साथ में ऑल्ट को दबाओगे और ऑल्ट के साथ में डिलीट को दबा दोगे ना, तो एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा कि ये किसका फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये टास्क मैनेजर का फंक्शन परफॉर्म करता है, ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, किसके लिए काम आती है ये? कोई भी चीज मॉडिफाई करने के लिए भी काम आती है और कॉम्बिनेशन भी करती है किसी और के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज द कंप्यूटर मॉनिटर। आगे चलें, विच ऑफ दीज कीज इज नॉट ऑन द नंबर कीपैड। ठीक है, क्या बोला है उसने, कौन सी की जो है जो नंबर कीपैड पे नहीं होती है? तो कंट्रोल नहीं होता ना नंबर कीपैड पे, नमलॉक तो होता है, डिलीट भी होता है, और एंटर आपने देखा होगा लंबा सा एक खड़ा सा ऐसे होता है, एंटर लिखा रहता है इस पे। ठीक है, आगे आते हैं। द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की प्राइमरी आउटपुट डिवाइस क्या है, उसने ये पूछा है। तो कंप्यूटर की प्राइमरी आउटपुट डिवाइस क्या है? वीडियो मॉनिटर। यही नहीं होगा तो कोई आउटपुट आप देखोगे कैसे? ठीक है, तो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है वीडियो मॉनिटर, बाकी सब सेकेंडरी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। डैश प्रोवाइड्स द मीन टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन एंड गिव इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर बाय क्लिकिंग इट बटन। ऐसा कौन सा है जो ये वाला फंक्शन हमारे पास में परफॉर्म करता है? तो मेरे को देखते ही आंसर लगाना चाहिए, माउस। सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, सॉफ्ट कॉपी किसके बारे में बताती है? तो सॉफ्ट कॉपी स्क्रीन आउटपुट होती है, बताया था ना मैंने, मॉनिटर पे जो भी आपको दिख रहा है वो सब सॉफ्ट कॉपी है, आप उसे छेड़ नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Why is the caps lock refer to a toggle key? Toggle key की तरह क्यों काम करता है caps lock? क्योंकि caps lock functioning ही change कर देता है, because it function goes back and forth every time it is pressed. क्योंकि जब भी हम इसे दबाएंगे ये functioning ही change कर देगा। जब हम दबाएंगे तो capital में लिखा जाएगा, जब हम बंद कर देंगे तो small में लिखा जाएगा। Next question पे आते हैं। One puts information into the computer by pressing these keys. क्या बोला उसने? कौन सा ऐसा है जो कि क्या काम करता है? प्रेस करने पे एंटर करने का काम करता है। तो देखो क्या हुआ, वन पुट इंफॉर्मेशन इन टू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग दिस की। मैंने क्या लिखा, माई नेम इज हिमांशु। मैंने क्या लिखा, माई नेम इज हिमांशु। अब मैं चाहता हूं कि ये जो लिखी हुई इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन कंप्लीटली मेरे डेस्कटॉप पे दिखाई दे जाए मुझे, तो इसको करने के बाद मैं ये दबा दूंगा। इसको किसका सिंबल बोलते हैं? एंटर का। तो जैसे ही मैं दबाऊंगा ये मेरी स्क्रीन पे आ जाएगा सामने। ठीक है, तो किसी भी डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए एंटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द की दैट मस्ट बी प्रेस ईच टाइम अ न्यू कमांड और इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड। जब भी हम इसको दबाएंगे न्यू कमांड और इंफॉर्मेशन एंटर्ड हो जाएगा। ऐसी कौन सी की होती है? तो रिटर्न, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, एंटर।
तो क्या हो जाएगा, द की दैट मस्ट बी प्रेस ईच टाइम अ न्यू कमांड और इन्फॉर्मेशन इज एंटर्ड। आखिरी में क्वेश्चन खुद ही दे दिया कि जैसे ही हम इसको दबाएंगे वो डेटा एंटर्ड हो जाएगा कंप्यूटर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटर की बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब यूजिंग द माउस टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन टू अ न्यू लोकेशन, किसी नई पोजीशन पे ले जाने के लिए, किसी भी चीज को नई पोजीशन पे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जैसे मेरे पास में सपोज क्या दिया हुआ है, ये एक डब्बा है मेरे पास में जिसको हम फाइल या फोल्डर बोलते हैं, बोलते हैं ना। अगर मुझे इसको यहां से उठा के कहीं और लेके जाना है तो मैं माउस का कर्सर दबाऊंगा और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा वहां ले जाके। क्या करूंगा, पहले ड्रैग करूंगा, घिसटाऊंगा वहां से और जहां भेजना है वहां जाके ड्रॉप कर दूंगा उसको। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, टू सेलेक्ट टेक्स्ट बाय शेडिंग एज यू ड्रैग द माउस एरो ओवर द टेक्स्ट इज रेफर टू। फिर से समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमें टू सेलेक्ट टेक्स्ट By shading as you drag the mouse arrow over the text is referred to। अभी थोड़ी देर पहले शायद ये क्वेश्चन आया था ना, जहां मैंने आपको बताया था कि यहां कर्सर लेके आएंगे और फिर माउस का बटन दबा के उसको इस तरीके से ड्रैग कर देंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही, हाईलाइट। क्वेश्चन को केवल वो इसलिए देते हैं ताकि सामने वाला डर जाए और वो क्वेश्चन ना कर पाए, जबकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन में, कंप्यूटर के बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ बटन दैट मेक्स कैरेक्टर आइदर अपर और लोअर केस एंड नंबर्स टू सिंबल। देखो यहां कैप्स लॉक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब फिर कौन है, मैंने आपको पहले ही बताया है, जब आप शिफ्ट के साथ किसी भी लेटर को दबाओगे तो वो उसको बड़ा या छोटा करने का काम कर सकता है और नंबर को सिंबल में बदलने का काम भी कर सकता है, तो वो कौन सी की है, शिफ्ट की। चलिए नेक्स्ट, पिक द ऑड वन। अब ऑड वन क्या होगा, इनपुट आउटपुट के बेसिस पे ही होगा, कीबोर्ड माउस स्कैनर तीनों इनपुट डिवाइस है, केवल प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट, लेटर्स नंबर्स एंड सिंबल्स फाउंड ऑन ए कीबोर्ड आर, लेटर नंबर और सिंबल जो कि कीबोर्ड पे दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पास में कीज। आगे चलते हैं, अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर बाय यूजिंग कीज, वो क्या कहलाता है, वो कीबोर्ड कहलाता है। बार बार कीबोर्ड आ रहा है, देखो कीबोर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, प्रिंटर कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर ऑन कीबोर्ड आर रेफर्ड टू एज, कैपिटल लेटर किससे बना सकते हैं हम, अभी अभी हमने पढ़ा था, यस कैप्स लॉक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिट द प्रोग्राम व्हेन पुश, ऐसी कौन सी की है जिसको दबाते ही हम प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं, एस्केप। मैंने बताया था ना, किसी भी प्रोग्राम में हो एस्केप दबा दो या F4 दबा दो, F4 भी यही काम करता है कई फंक्शन कई प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंटेड इंफॉर्मेशन कॉल्ड डैश एग्जिस्ट फिजिकली एंड इज अ मोर परमानेंट फॉर्म ऑफ आउटपुट देन दैट प्रेजेंट्स ऑन अ डिस्प्ले डिवाइस। क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है हमें कि प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, आगे तो ऐसे नॉर्मल बातें लिखी हुई है जो कि फिजिकल फॉर्म में परमानेंट हमारे पास रहती है, जिनको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, दैट इज हार्ड कॉपी, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, मूव द कर्सर वन स्पेस टू द राइट और पुट स्पेस इन बिटवीन वर्ड्स। ठीक है, एक तो वर्ड के बीच में, ठीक है, और मूव कर्सर वन स्पेस, तो एक स्पेस का कौन देता है गैप, स्पेस बार देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्पेस बार हमेशा एक का गैप देगा और टैब हमेशा छह का गैप देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें यूज दिस व्हेन यू हैव टू ऑल लेटर्स विदाउट हैविंग यूजर शिफ्ट का यूज किए बिना, यदि हमें लेटर्स के ऊपर कोई भी कार्रवाई करनी है बड़ा या छोटा करने के लिए, बड़ा करने के लिए स्पेशली, तो हम कैप्स लॉक का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइसेज दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू, कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने का काम करती है, दैट इज इनपुट, और कंप्यूटर के साथ आपको आउटपुट। डिवाइसेज दैट अलाउ
यू टू पुट इंफॉर्मेशन इन टू दी कंप्यूटर। ऐसी कौन सी डिवाइसेज है जो कंप्यूटर में इनपुट करने के काम में आती हैं? तो इनपुट डिवाइसेज। मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जितना आज हमने किया है मेरे हिसाब से इनपुट आउटपुट के लिए वो सफिशियंट है। ठीक है, आप देख रहे होंगे एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, कभी इनपुट की फॉर्म में, कभी शिफ्ट की फॉर्म में, कभी किसी फॉर्म में। ठीक है, तो इनपुट को आज हम यही खत्म करते हैं, हम ऑलरेडी इनपुट आउटपुट टॉपिक को बहुत खींच चुके हैं। मैं एक क्लास बनाऊंगा आपके लिए स्पेशल, जिसमें मैं आपको स्पेशल कीज के बारे में बताऊंगा, जब कॉम्बिनेशन के साथ हम यूज करते हैं तो उन कीज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इनपुट आउटपुट टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मेमोरी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल सिलेक्शन मेंटोर को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।